तो सजनों आपके सामने एक रागणी, और रागणी में कवि ने बताया कि चोरी का धन ओस के पानी के समान होता है। जिस प्रकार से चोरी का धन ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार चोरी का धन भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि चोरी का धन ओस के पानी के समान होता है। और एक बात के द्वारा कवि ने क्या बता दिया सुनने वाला, जगत में क्या के सपने की माया। दूसरी तरफ सूरज सिर्फ एक होता है, लेकिन जब भी आता है सारी दुनिया का अंधेरा दूर कर देता है। कहने का मतलब, करने वाला एक के बतेरा हो, भीड़ की जरूरत नहीं होया करती। तो पहली बात में के बता दिया, मन का के दुख हो से पूरी पुलिस की कल्ला यारी इसमें खुण से लुक हो से चोर जार ते सत्संग कर ले ते इज्जत के माटुक हो से चोर जार ते Oh,
कोई भी कारण होता, घर में चाहे कोई भी कारण होता, सुख का होता चाहे दुख का होता, सबसे पहले भाण बेटी ने बुलाया करते। लेकिन आज भाण बेटी का कोई मतलब नहीं रहा घर आने का। जग घर में साड़ी आ जा मानो सब किमी आगा। अरे न्यू है एक नई रिश्तेदारी और चालू कर दी साडू। लेकिन सजनो कवि ने बताया कि साडू की गल कोई रिश्तेदारी नहीं होया करती, साडू तो कति दुश्मन जैसा होया करे। और दूसरी बात मैं के बता दिया, बारे में क्या बता दिया। जाते आज मैं हूँ
और आखिरी बात में कवि ने के बता दिया,